हम सभी जानते हैं कि रजिस्टर नंबर के बिना किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी पर साफ साफ और उचित तरीके से अंकित होना चाहिए। यही नहीं, गाड़ी चलाते वक्त आपके पास उसकी आरसी होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। ट्रैफिक और रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सर्टिफाइड और रजिस्ट्रेशन के सीधे शब्दों में अर्थ यह है कि किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलाने देने की अनुमति देने के लिए सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही आरसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। और किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। अगर आपने नई गाड़ी ली हो और उसके साथ एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, इस नंबर के साथ आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ आप किसी भी सूरत में एक माह से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते और यह रिन्यू भी नहीं होता है। 2 महीने की डेडलाइन याद रखें। यदि आप चाहते हैं कि आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गाड़ी ले जा सके और उसका रजिस्ट्रेशन अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य हो, लेकिन आपने यह ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आपने किसी एक राज्य से गाड़ी ली और आप 2 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, तो आपको उसी राज्य में अपनी गाड़ी फिर रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होगी। EM News 24 की रिपोर्ट।